स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले सफाई मजदूरों के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों का एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया। प्रदेश सरकार से स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने यह मांग उठाई है कि प्रदेश की निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर 14 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006 से कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को संविदा से परिवर्तित किया जाए तथा उन्हें 18,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाए। प्रदेश की बढ़ती आबादी, निकायों की संख्या, क्षेत्रफल को देखते हुए कम से कम 1,00,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। मुरादाबाद नगर निगम में वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को भी स्थायी किया जाए, पुरानी पेंशन नियमावली बहाल की जाए आदि जैसी कई विभिन्न मांगों को सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उठाया। ज्ञापन देने वालों में सफाई कर्मचारियों के प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमीलाल बाल्मीकि, राजेंद्र सहदेव, प्रेम बाबू बाल्मीकि, बिल्लू चौहान, मुरारीलाल शेषन, सुनील कुमार लक्षरी, नीरज पाराशर, महेंद्र सिंह, संजय कुमार, हीरालाल, सत्यम राही महेंद्र, विशाल कुमार, वीरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनिल लक्षरी आदि लोग मौजूद थे। ये पूरे प्रदेश के अंदर सफाई मजदूर है, लेकिन आज तक भाजपा के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक सफाई कर्मचारियों का कहीं कहीं भी जिक्र नहीं किया है। सफाई कर्मचारी पिछले कहीं माह से लखनऊ के चक्कर लगाते इसलिए कि उनकी सुनवाई नगर विकास मंत्री सुन लें, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुन लें, लेकिन प्रदेश के कई सचिवों और लोगों से बात की कि आज प्रदेश का सफाई कर्मचारी तिराई तिराई हुआ पड़ा है। 7,500 रुपये में उसका परिवार नहीं पेट पाल रहा है और उसके बाद में हमारे तमाम संविदा कर्मचारी जो आज अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं सफाई पेशे में, उनको भी नियमित नहीं किया जा रहा है। हमारी ये मांग है, 14 सूत्र मांग पत्र है हमारा, जो हमने प्रदेश के मुखिया को भेजा है, मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री को, नगर विकास राज्य मंत्री को, तमाम प्रदेश के सचिवों को हमने 14 सूत्र मांग पत्र सफाई मजदूरों का पूरे प्रदेश कर दिया है। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारी है कि आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारियों को कम से कम संविदा की बतौर उनको वेतन मिले और उनको संविदा में नियमित किया जाए। संविदा कर्मचारी हमारे आज पूरे प्रदेश में मेहनत से काम कर रहा है, उसको पूर्ण तरीके से नियमित किया जाए और उसके बाद में किसी भी सफाई कर्मचारियों को कोई महंगाई भत्ता किसी तरीके का नहीं मिलता है, उनका तमाम प्रदेश के अंदर शोषण हो रहा है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का अवकाश माननीय पूर्व सरकारों ने, समाजवादी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मुलायम सिंह यादव ने, इन्होंने सभी ने अवकाश की घोषणा की, लेकिन इस भाजपा सरकार ने इतने बड़े पर्व को हमारे धोखा दे करके और वाल्मीकि भगवान की अवकाश की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। आज जो हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, सारी टीम के सारे संगठन के लोग, हम आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं और इस बाबत देने आए कि ये ज्ञापन हमारा प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री को संदर्भ है, उनको दिया जाए जिससे कि प्रदेश के तमाम सफाई कर्मचारियों का भला हो सके। हमारा मानना यह है कि सफाई मजदूर आज पूरे कोने कोने में सफाई कर रहा है और उसको आज तक सरकार ने कोरोना का योद्धा नहीं माना है और अन्य विभागों के लोगों को योद्धा कोरोना मान करके ये सरकार पूरी चौपट हुई पड़ी है, अंधी हुई पड़ी है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये सरकार आई तो इसने कुछ वादे किए, गड्ढा मुक्त प्रदेश को करेंगे, क्या गड्ढा मुक्त कर पाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या वास्तव में हम बेटियों को पढ़ा पाए? दोस्तों सबसे अहम चीज़ जो है चिकित्सा और शिक्षा, उसको इस सरकार ने गरीब जनता को उस शिक्षा और चिकित्सा से दूर कर दिया। आज घर का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरे जो बैलेंस है व्यक्ति का वो बिगड़ जाता है, इतनी महंगी चिकित्सा हो गई। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल लोगों को खाल निकाली जाती है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा
कि हम और आपने सबने मिलकर इस सरकार को सत्ता दी और सत्ता पाने के बाद में ये सरकार उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन अति पिछड़ों को भूल गई, चाहे वो कोरोना योद्धा हो, वाल्मीकि समाज के प्रधानमंत्री ने पैर धोए महिलाओं को। आज क्या मांगे हैं आप? आज के हम वही बता रहा हूँ मैं, आपने निगालिया के वाल्मीकि समाज का इतना सम्मान कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैर धो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि संविधान के साथ में छेड़छाड़ करना, संविधान में बदलाव करना, हमारे ऊपर आरक्षण खत्म करना जो है, और तुम्हारे की निजीकरण में सब चीज आना, हम लोगों को जो है पॉलिटिकल और राजनीतिकल और तुम्हारे की पैसे जो है पॉलिटिकल डेथ हो गई। हम ये कहना चाहते हैं, करनी और कथनी का अंतर बताना चाहते हैं आप लोगों को। मेरी बात आपको सीमित में कही है, बहुत कुछ कहा है, इसी के साथ मैं अपनी बात को